हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एनसीईआरटी, क्लास 10, एक्सरसाइज हमारी 5.2। तो लौटे हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, ठीक है? तो चलिए पढ़ते हैं। हंसा के रहा तुम। चलो क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। बेटा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कह रहा हमारा एक एपी है जिसके अंदर टोटल 50 टर्म्स है। तो काम कर लेते हैं, मैं एक एपी बना लेता हूं। हमारे इस एपी में बहुत सारी टर्म्स है, ठीक है, बहुत सारी है। तो इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी है? 50। मतलब इस एपी में फर्स्ट टर्म भी होगी, इस एपी में सेकंड टर्म भी होगी, इस एपी में थर्ड टर्म भी होगी, उसी तरह बहुत सारी टर्म्स है इस एपी में। लेकिन लास्ट टर्म कितनी होगी भाई? इसमें देखो क्या बोला है, एपी के अंदर 50 टर्म है, तो लास्ट वाली कौन सी टर्म होगी? 50 टर्म होगी, जाहिर सी बात है ना। देखो कितना सिंपल है बोला है क्वेश्चन ने, ध्यान से सुनना। एक एपी के अंदर 50 टर्म है, तो भाई देखो पहली दूसरी तीसरी टर्म, आखिरी टर्म तो 50 ही होगी ना, जो 50 टर्म है उसके अंदर। तो थर्ड टर्म इसकी 12 दे रखी है। चलो थर्ड टर्म में 12 लिख देता हूं। थर्ड टर्म क्या है? 12 लिख दिया, 12। और हमारी लास्ट टर्म 106, ये जो लास्ट टर्म है बच्चों वो 106 दे रखी है, ठीक है भाई। लास्ट टर्म तो यही है ना, 50th, तो लास्ट टर्म 106 हो गई, क्लियर है। वो कह रहा है फाइंड द 29th टर्म, और 29th टर्म कहीं यहीं कहीं आ रही होगी, लिख देते हैं 29th टर्म आपको निकालनी है। ये हमें पता नहीं, ये हमें निकालनी है, सिंपल है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको, ध्यान से सुनना बच्चों। हमारे एक एपी के अंदर टोटल 50 टर्म है, 50 टर्म है, इसीलिए लास्ट वाली टर्म को मैंने 50th टर्म बोला है। अगर इस एपी के अंदर 40 टर्म होती तो लास्ट वाली टर्म हमारी 40th टर्म होती, क्लियर है पक्का, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है तीसरी टर्म 12 है, तो मैंने तीसरी टर्म को 12 कर दिया। बोला है हमारी आखिरी टर्म 106 है, आखिरी टर्म तो 50th थी ना, तो वो 106 हो गई। हमें 29th टर्म निकालनी है, वो ये रही, देखो इनके बीच में आ रही होगी 29th टर्म, ये निकाल दिया। अब हम करेंगे कैसे 29th टर्म निकालनी है, तो देखो ध्यान से, मैं फिर दोबारा यहां पर आता हूं। 29th टर्म को निकालना है, उसी को सॉल्व करते हैं। पहले ध्यान से देखना बच्चों, 29th टर्म यही निकालना हमें, देखो यही निकाल दिया ना, क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। 29th टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना। ए प्लस, यहां पर 29 है ना, तो एक कम कर दो, 28d हो गया बच्चों, ठीक है। अब हमें पता है आराम से निकल जाएगा ये पूरी की पूरी 29th टर्म, लेकिन उसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए a जिसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, और दूसरा चाहिए d जिसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस, लेकिन वो दोनों ही नहीं है हमारे पास। देखो फर्स्ट टर्म भी नहीं और कॉमन डिफरेंस भी नहीं, तो पहले उसी दो को निकालते हैं। अब वो दोनों निकलेंगे कैसे, ध्यान से सुनना। मेरे को क्वेश्चन एक तो ये पार्ट दे रखा है, देखो गिवन क्या क्या है। एक तो मुझे बोला हुआ है तीसरी टर्म है हमारी 12, और दूसरा बोला है लास्ट मतलब पांच हमारी 50th टर्म है 106। यही तो मेरी मदद करवाएंगे निकालने में, तो चलिए करते हैं एक बार। देखते हैं बच्चों ध्यान से, पहले मैं इसको लिखता हूं, हमारी तीसरी टर्म है बच्चों 12, ठीक है, मैंने लिख दिया तीसरी टर्म है 12। अब मैंने देखा इसे सॉल्व क्या करूं बच्चों। तीसरी टर्म का एक खुद का एक फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस 2d। यार इस वाली टर्म का तो फॉर्मूला है ना, जब भी किसी का फॉर्मूला हो उसकी वैल्यू दे दी जाए तो उसके फॉर्मूले को उसके नीचे पुट कर देते हैं। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 3 है ना, तो इधर 2d कर देंगे, इक्वल की जगह इक्वल आ गया और ये 12 आ गया। यार अब ये सॉल्व क्या होगा, ना तो मेरे पास a है, माने कि फर्स्ट टर्म मेरे पास नहीं है, आप देख सकते हो नहीं है, ना तो मेरे पास d है माने कि कॉमन डिफरेंस, वो भी मेरे पास नहीं है, तो सॉल्व तो नहीं हो सकता, छोड़ दिया ऐसे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस वाले हिंट से तो कुछ भी नहीं हो पाया, अब मैं इस वाले हिंट को ले रहा हूं बच्चों। ये हमारा कौन सी है, 50th टर्म है, 50th टर्म हमारी कितनी है, 106। तो चलिए इसे भी करते हैं, यार 50th टर्म का भी तो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले की वैल्यू दे दी है तो इसके फॉर्मूले को इसके नीचे पुट कर देंगे। 50th टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 50 है तो a कम कर दो, 49d इक्वल की जगह इक्वल 106, सिंपल है बहुत, ठीक है। यार ना तो ये सॉल्व हो रहा है ना तो ये सॉल्व हो रहा है, मैंने आपको कल बताया था बच्चों, इस वाले को बोल देंगे हम पहली इक्वेशन और इस वाले को बोल देंगे दूसरी इक्वेशन, ठीक है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला क्वेश्चन हो गया, ध्यान से सुनना। मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा लेकिन बाय एलिमिनेशन मेथड, ताकि एक ही मेथड से करूंगा जिससे आपको याद हो जाए, एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा, ठीक है, लिखना जरूरी है, एलिमिनेशन कर लो। एलिमिनेशन में क्या करते हैं बच्चों, पहला स्टेप आप अपनी दोनों इक्वेशन को उतार लोगे, ठीक है। तो मैं पहली वाली इक्वेशन को उतार रहा हूं, देखो बच्चों a प्लस
2d इज इक्वल टू 12। यह हमारी पहली इक्वेशन है, यहां पर मैंने लिख दिया, यह हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन को उतारेंगे बच्चों। ये रही दूसरी इक्वेशन हमारी, a प्लस 49d इक्वल टू 106। ये है बच्चों हमारी दूसरी इक्वेशन, और मैंने यहां पर उतार ली अपनी दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन भी उतार दी, दूसरी भी उतार दी। एलिमिनेशन में सबसे पहले तो ये करते हैं, उसके बाद आपको पता है हमारी इस दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल है। ध्यान से देखना बच्चों, एक वेरिएबल तो ये a है और एक वेरिएबल ये d है। या तो इन a वालों को सेम कर लो या तो इस d वालों को सेम कर लो। अगर आप देखोगे बच्चों हमारे बाय लक चांस से a वाला ऑलरेडी सेम है। देखो इधर भी a है इधर भी है, सेम है ना, और कोई नंबर तो नहीं आ रहा ना इधर। अगर ये दोनों इक्वेशन में ये एक वेरिएबल सेम आ गया है तो आप इनको सिर्फ वन से मल्टीप्लाई करना। ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई बाय वन और मल्टीप्लाई बाय वन। ठीक है, आप इन्हें वन से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब कि आप इसमें कोई भी प्रकार की चेंजेस नहीं करोगे। अगर मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एज इट इज सेम रहेगा, और इसे भी वन से करूंगा एज इट इज सेम रहेगा। ये वन से कब मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनना, जब या तो ये वाला वेरिएबल पूरा सेम हो या तो फिर ये वाला वेरिएबल पूरा सेम हो। लेकिन ये तो सेम है ही नहीं, यहां पर 2d और यहां पर 49d है, अलग अलग है ना, इनका सेम होना जरूरी नहीं है। मैंने बोला है या तो ये वेरिएबल सेम हो या तो ये वेरिएबल सेम हो। यहां देखो ये सेम है ना, तो इसलिए मैंने वन वन से करा। तो चलिए करते हैं, वन को अगर इस पूरी इक्वेशन से करूंगा सेम आएगा, a प्लस 2d इक्वल टू 12, पूरा का पूरा सेम आ गया। ठीक है, वन को इस पूरे से करूंगा ये भी सेम आएगा, a प्लस 49d इक्वल टू 106, सेम सेम आ गया। अब बच्चों नीचे वालों के साइन, नीचे वाली इक्वेशन के करते हैं साइन चेंज। यहां पर ये प्लस का साइन है, लगा देता हूं, यहां पर भी ये प्लस का साइन चेंज कर देते हैं बच्चों। ध्यान से देखना, ये प्लस है, ये हो जाएगा आप किसका, मैं इसे हटा देता हूं, माइनस। ये भी प्लस है, ये हो जाएगा किसका, माइनस। ये भी प्लस है, ये भी हो जाएगा किसका, माइनस। साइन चेंज हो गए। देखना बच्चों, ए ऊपर प्लस का है और यहां पर ए माइनस का है, तो कैंसिल हो गए। ठीक है, ये ऊपर प्लस का 2d और ये माइनस का 49d है, तो ये माइनस का 47d आ जाएगा सॉल्व करके, इक्वल आ गया। ऊपर प्लस का 12 है, नीचे माइनस का 12 है, तो आई थिंक ये आ जाएगा 94 आ जाएगा आपका, वो भी माइनस का। अब आपको पता है माइनस का 47 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, क्योंकि माइनस के 47 और हमारे वेरिएबल डी के बीच में कुछ भी नहीं है। देखो माइनस का 47 और ये डी कुछ है इनके बीच में, बिल्कुल भी नहीं, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, माने कि आ जाएगा नीचे। और अगर नीचे आ जाएगा, आप इसे काटोगे दोनों को, ये दोनों के दोनों किस टेबल से कट रहे हैं मैं वो भी बता देता हूं आपको, 47 के ही टेबल से काट रहा हूं। 47 के टेबल में खुद कितनी बारी में आएगा, 1 बारी पे, और ये आएगा 2 बारी पे। अच्छा बच्चों एक मिनट जाना, मैंने एक चीज गलती कर दी, ये बच्चों माइनस का 47 है तो माइनस लगा दो, अब माइनस से माइनस भी कट जाएगा। ध्यान से देखो आपका डी, माने कि कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, तो यहां पर मैं लिख देता हूं हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 लिख गया बच्चों 2। चलो कॉमन डिफरेंस तो आ गया मेरा, कॉमन डिफरेंस आ गया, अब मुझे सिर्फ फर्स्ट टर्म निकालना है, सिर्फ फर्स्ट टर्म। तो देखो इसको करते क्या है, जो भी आपका यहां पर निकला है ना, पुट दिस इन इक्वेशन, आपको इसे कौन सी इक्वेशन बिठाना है, आप चाहो तो इस पे बैठा लो, आप चाहो तो इस पे, मैं पहली वाली पे बैठा रहा हूं, मेरे को पहली वाली आसान लग रही है ज्यादा, सिंपल सिंपल से नंबर आ रहे हैं। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन पे बैठाना चाहता हूं। पहली इक्वेशन पे बैठाने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या करना है, इसको ना पहली इक्वेशन पे बैठाना है। तो कैसे बैठाते हैं, पहले तो हम अपनी पहली इक्वेशन को उतार लेते हैं। देखो ये नहीं ना पहली इक्वेशन बच्चों, या नीचे जगह नहीं, मैं यहां पर उतार देता हूं पहली इक्वेशन। देखो ध्यान से, a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 2d इक्वल टू 12। बच्चों ये पहली इक्वेशन है, मैं एक बार हाईलाइट करके दिखाता हूं, मैंने पहली इक्वेशन उतार ली, मुझे पहली इक्वेशन पे बैठाना था ना, तो पहले तो पहली इक्वेशन उतार ली। अब जहां पर भी d दिखेगा वहां पर क्या बैठा दूंगा, 2। तो देखते बच्चों, a की जगह a, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, ये d है ना, तो इसे 2 बिठा दिया ब्रैकेट में डालते, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। a प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, यहां पर प्लस का 4 है, उधर जाकर हो जाएगा आपका माइनस का 4, तो ये आ गया 8। ध्यान से देख लो आपकी फर्स्ट टर्म आ गई बच्चों, देखना ध्यान से, इस चीज पे ध्यान देना, फर्स्ट टर्म आपकी 8 आ गई है और कॉमन डिफरेंस आपका 2 आ गया। और मैंने आपको पिछली बार की वीडियो में भी बताया था, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई है और कॉमन डिफरेंस आ गया है, तो सिर्फ 29th नहीं, आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो, कोई सी भी। अगर आप लोगों के पास पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया है, तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल। तो देखो फर्स्ट टर्म 8 है, लगा देता हूं 8 प्लस
28 और कॉमन डिफरेंस आपको पता है क्या निकला, देख सकते हो बच्चों 2, 8 प्लस ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 56 आ गया 28 को से मल्टीप्लाई करके और ये आ गया 64। तो बच्चों हमें 29th टर्म निकालनी थी, तो मैंने 29th टर्म निकाल के बता दिया, आपकी आ गई है 64। तो बच्चों प्लीज इसे जल्दी से उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मैं एक बार पढ़ देता हूं आपके सामने। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन APR 4 एंड माइनस है रिस्पेक्टिवली। हमारी जो तीसरी टर्म है वो तो हमारी 4 है, चलो लिख लेता हूं जो जो दे रखा है। हमारी बच्चों तीसरी टर्म तो क्या दे रखी है, 4, ठीक है। और हमें क्या बोल रखा है, और हमें 9th टर्म क्या बोल रखी है, माइनस 8 है। मैं यहां लिख देता हूं उसे, हमारी 9th टर्म क्या दे रखी है, हमारी माइनस का 8, ठीक है। तीसरी टर्म दे रखी है हमारी 4, मैंने यहां लिख दी बच्चों, देख सकते हो आप। 9th टर्म हमारी माइनस 8 है, वो भी मैंने यहां लिख दिया। हमें बोल रहा है कौन सी टर्म ऐसी है एपी की जो जीरो होगी, तो यार मुझे तो पता नहीं कौन सी टर्म है जीरो। तो एक काम करता हूं, अगर हमें नहीं पता कि ये जो जीरो है, ये जो जीरो है वो कौन सी टर्म पे आता है, तो हम उसे कौन सी टर्म लेते हैं, nth टर्म। हमें बताना है यार ये कैसे होगा, मतलब हमें बस ये बताना है ये जीरो कौन सी टर्म पे आ रहा है, बस काम खत्म। देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझो, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, जीरो हमारा कौन सी टर्म पे आता है। लेकिन अभी तो मुझे नहीं पता ना, स्टिल राइट नाउ आई ऑल्सो डोंट नो ना कि जीरो हमारी कौन सी टर्म पे आ रहा है, तो मैंने इसे nth टर्म मान लिया। तो क्या करें, इसी को तो करना है, यही तो है हमारा सॉल्यूशन, इसी करना है सॉल्व, तो करते हैं चलो इसे फिलहाल। पहले एक काम करता हूं, nth टर्म का तो फॉर्मूला होता है, मैंने बताया आपको nth टर्म का फॉर्मूला होता है, लेकिन उसकी वैल्यू दे दी है। जब भी किसी फॉर्मूले की वैल्यू दे दी जाए तो उसका फॉर्मूला उसके नीचे पुट करते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू जीरो। अब हम इसे सॉल्व कर ही नहीं सकते, अब क्यों नहीं कर सकते, ध्यान से सुनना बच्चों, ना तो आपके पास a माने की फर्स्ट टर्म है, ना तो आपके पास d यानी कि कॉमन डिफरेंस है। वही प्रॉब्लम फिर आ गई यार, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, कैसे निकलेगा। देखो ये दो दे रखे ना, इन दोनों की मदद से निकलेगा, देखो सेम वही है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले की वैल्यू दे दी है, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला उसके नीचे पुट करूंगा, a प्लस 3 है तो एक कम हो जाएगा 2d इक्वल टू 4। और आपको पता है सॉल्व ही नहीं हो सकता, तो इसको मान लेंगे बच्चों क्या, पहली टर्म, ये मान लेते हैं आपकी पहली टर्म, ठीक है। सेम अब यहां देखिए बच्चों, 9th टर्म दे रखी, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसे नीचे पुट करते हैं, a प्लस 8d इक्वल माइनस 8, और ये भी अब आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये हो गई हमारी दूसरी टर्म, दूसरी इक्वेशन सॉरी। तो बच्चों पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन सेम, पहले ऐसा क्वेश्चन हो गया तो पूरा, तो आपको पता है इसे हम किससे करेंगे, बाय एलिमिनेशन, वही बताया था एलिमिनेशन मेथड, देखना धीरे धीरे आपको और अच्छे से आ जाएगा। एलिमिनेशन में पहले दोनों इक्वेशन को उतारते, तो पहली इक्वेशन को उतारता हूं, a प्लस 2d इक्वल टू 4, यह हमारी पहली इक्वेशन है, लिख देता हूं बच्चों। और दूसरी इक्वेशन आप देख सकते हो क्या हमारी, a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8, यह हमारी दूसरी इक्वेशन है। देखो पहला काम तो यही होता है ना एलिमिनेशन में, कि दोनों इक्वेशन को अच्छे से उतार लो, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, या तो ये वेरिएबल पूरा सेम होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, और देखो यहां पर ये सेम आ गया है। और अगर कोई भी ये वाला वेरिएबल या फिर ये वाला वेरिएबल सेम होता है, तो हम अपनी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से, याद रखना। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। और 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम आता है, 1 से अगर इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, a प्लस 2d इक्वल टू 4, ठीक है। 1 से अगर नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, सेम आएगा, a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8। उसके बाद मैंने आपको बताया था नीचे वालों के साइन हो जाते हैं चेंज, यहां पर साइन प्लस का बना देता हूं, ठीक है, प्लस का ही है, क्योंकि देखो साइन चेंज कर देता हूं, देखो ये साइन प्लस का है, हटा के बना दिया माइनस का, ये भी प्लस का है माइनस का, ये माइनस का है ना तो बन जाएगा प्लस का, साइन चेंज कर दिया सबके, ए यहां पर प्लस का है और नीचे माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर प्लस का 2d है और नीचे माइनस का 8d है, सॉल्व करोगे तो माइनस का 6d आता है इक्वल, ऊपर प्लस का 4 है, ये भी प्लस का है, तो ये प्लस का 12 आ गया। आपको पता है माइनस का 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, माने कि ये आ जाएगा नीचे dr में, देखो माइनस का 6 आ गया। और एक चीज को याद रखना, माइनस का 6 नीचे आ गया, माइनस साइन कभी नीचे नहीं होता, और अगर गलती से आ भी गया ना तो आप उसे ऊपर की ओर शिफ्ट कर देना, ठीक है। काटे से ध्यान से देखना, काटते से दोनों के दोनों 6 के टेबल से कट रहे हैं, ये 1 बारी पे और ये 2 बारी पे,
तो आपका अगर आप देखोगे डी माने की कॉमन डिफरेंस आ गया आपका माइनस का टू, देखो कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस का टू। अब इसको पुट दिस इन इक्वेशन, आप चाहो तो इसे पहली इक्वेशन पे बैठाओ या तो आप चाहो तो दूसरी पे, लेकिन मैं पहली बैठाऊंगा मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है पहली, तो पहली इक्वेशन बैठाते हैं। बच्चों नीचे जगह नहीं, मैं यहीं करके दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना, मैं यहां कर देता हूं इतने वैसे में। देखो पहली इक्वेशन पे बैठाने का मतलब क्या, पहले तो पहली इक्वेशन देखो, आपको इस वैल्यू को पहली इक्वेशन पे बिठाना है ना, पुट करना है, तो पहले तो पहली इक्वेशन को उतार के लिखाओ, ए प्लस टू डी इक्वल टू फोर, और दिखाओ कि ये पहली इक्वेशन आपने उतार दिया। अब इसमें पुट क्या करना है, जहां पर भी डी दिखेगा वहां पर क्या पुट कर दूंगा, माइनस का टू। तो देखो ध्यान से, ए की जगह ए, 22 की जगह 2 डी है, तो माइनस का 2 लगाऊंगा ब्रैकेट में, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी और इसकी वैल्यू में मल्टीप्लाई होगी, बाहर वाला साइन अंदर वाला साइन मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 4। आपको पता है बच्चों ये माइनस का 4 था, इधर आके प्लस का 4 हो गया, तो ए आ गया आपका 8। तो ये तो क्लियर है, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म 8 आ गया और कॉमन डिफरेंस ही आ गया। मैंने आपको बोला था ना यही दो इंपॉर्टेंट होते हैं एपी में, पहली वाली टर्म और आपका कॉमन डिफरेंस। और अब हमें पता चल गया इसमें पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं, यही तो सॉल्व करना था हमें, यही तो बताना है कि जीरो हमारा कौन सी टर्म पे आता है। तो चलो देखते हैं बच्चों, ए की जगह पर हम क्या लगा देंगे, 8 प्लस एन माइनस 1, और डी की जगह पर क्या लगा देंगे बच्चों, माइनस का 2। आपने ऐसे पार्ट कर रखे हैं, मैं एक काम करता हूं पहले इस पूरे को एज इट इज उतारता हूं, 8 उतारा प्लस उतारा, ये माइनस का 2 ना इधर मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन यहां अच्छा नहीं लग रहा है, इसे यहां ले आते हैं, लो माइनस का 2 यहां ले आया, बाकी सब एज इट इज देख लो, सब एज इट इज, जो माइनस का 2 इधर था उसे इधर ले आया। अब देखो यहां तो पहले से ही साइन था, प्लस और माइनस आपस में अगर भिड़ेंगे भी तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, ठीक है। तो चलो अब आगे करते हैं, 8 को यही रखा, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से क्या होगा मल्टीप्लाई, पहले माइनस का 2 होगा एन से मल्टीप्लाई, तो उसके लिए पहले साइन को करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 2 को n से करेंगे 2n आ गया, अब माइनस के 2 को माइनस 1 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 1 2 आ गया इक्वल टू 0। देखो क्या, अगर ध्यान से बच्चों ये 8 और ये प्लस का 2 अगर आप इन्हें जोड़ोगे 8 और प्लस के 2 को तो आ जाएगा आपका 10, ये आ गया माइनस का 2n आ गया इक्वल टू 0। ये इधर प्लस का 10 है, उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस का 2n 0 माइनस का 10। एक बात बताओ बच्चों, ये इधर प्लस का 10 था ठीक है, और ये उधर जाकर माइनस का 10 हो गया, ठीक है, जीरो की कोई वैल्यू होती है तो जीरो को हटा दो, कोई यहां पर माइनस का 2 मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड का मतलब होता है बच्चों नीचे आ जाएगा डी आर पे, मतलब कि डेनोमिनेटर पे माइनस का 2। काटते हैं बच्चों, देखते हैं काट के क्या आता है, माइनस से माइनस कटा और ये दोनों 2 के टेबल से कट रहे हैं, ये 1 बारी पे और ये 5 बारी पे, तो एन कितना आ गया 5 आ गया, हमारा एन आ गया 5। बच्चों एक बात बताओ, मैंने यहां पर क्या बोला था कि हमारा जीरो, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, जीरो हमारा कौन सी टर्म पे आ रहा है, मैंने पहले बोला था कि जीरो पता तो था नहीं, तो मैंने ये बोला था जीरो जो है वो हमारा एंथ टर्म पे आता है, यही बोला था ना कि हमारा जीरो एंथ टर्म पे आ रहा है, लेकिन अब तो हमें एन की वैल्यू पता चल गई है, क्या एन के लिए 5, तो मैं एक काम करता हूं इस एन को हटाता हूं और यहां पर लिख देता हूं 5, और अब तो मैं किसी से भी पूछूंगा कोई भी जवाब दे देगा, जीरो हमारा कौन सी टर्म पे आता है, 5वीं टर्म पे आ रहा है, क्लियर है पक्का बच्चों। तो देखो ये वाला पार्ट ना बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा रिपीटेड पार्ट है जो बार बार रिपीट होगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा ताकि आप इसमें और अच्छे से स्ट्रांग हो जाओ, जल्दी से उतार लीजिए बच्चों। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत आसान क्वेश्चन है। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा है, और या फिर बड़ी बोल लो या ज्यादा बोल लो, ज्यादा है आपकी 10वीं टर्म से, और कितना ज्यादा है 7। एक तरीके से ना ध्यान से सुनना बच्चों, 17th टर्म मेरा रेड वाला मार्कर है, ध्यान से सुनना, 17th टर्म मेरा रेड वाला मार्कर हो गया, और 10th टर्म हमारा कौन सा हो गया, ब्लू वाला मार्कर। ध्यान से देखो जैसा क्वेश्चन ने बोला, मैंने डायग्राम में भी वैसे ही कर रखा है, 17th टर्म को मैंने बड़ा बना रखा है, देखो नीचे तो नहीं कर रहा ना, बड़ा बना रखा है, 17th टर्म हमारी 10th वाली टर्म से क्या है, बड़ी है, बड़ी है ना, देखो आप डायग्राम में देख सकते हो 17th टर्म और ये आपकी 10th टर्म, कौन बड़ी दिख रही है, 17th दिख रही है ना, अरे कितनी बड़ी है, 7 बड़ी है, मतलब इनके बीच में गैप कितने का है, 7 का, मतलब कि इस वाली टर्म और इस वाली टर्म के बीच में गैप है ना वो 7 का है। अब मैंने बराबर कैसे कर सकता हूं, मतलब कि
अगर बच्चों ध्यान से लिखना मेरी बात, एक तरफ है मेरी 17th टर्म और एक तरफ है मेरी 10th टर्म, इन्हें बराबर तो नहीं कर सकता, बराबर तो ये बिल्कुल भी नहीं। देखो ध्यान से, 17th टर्म बड़ी है और 10th टर्म हमारी छोटी है। अरे कितना गैप है इनके बीच का, 7 है। देखो लिखा हुआ है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड ज्यादा है 10वीं टर्म से और 7 ज्यादा है। मैं इन्हें बराबर एक ही तरीके से कर सकता हूं, या तो अपनी 17वीं टर्म पे, ये देखो ये 17वीं वाली टर्म जिसको मैं हिला रहा हूं, 17वीं टर्म में मैं माइनस करूंगा और नीचे आ जाऊंगा, हो गया बराबर। या तो एक ऑप्शन क्या है, मैं 10वीं टर्म में 7 जोड़ूंगा और बराबर कर सकता हूं। देखो दो ऑप्शन है बराबर करने के, अब डिपेंड आप पे करता है आप कौन सा ऑप्शन चुनते हो। या तो मैं अपनी 17वीं टर्म पे 7 को माइनस करूंगा तो ये बराबर हो गया, देखो हो गया बराबर। या तो फिर ऑप्शन दूसरा क्या है, अपनी 10वीं टर्म पे 7 जोड़ूंगा तो ये बराबर हो गया। तो कुछ भी कर सकते हो, मैंने एक काम किया 10वीं टर्म पे मैं 7 जोड़ देता हूं, अब तो हो जाएंगे बराबर। समझ में आया, देखो पक्का क्लियर पक्का। एक तरफ देखो ध्यान से, एक तरफ थी मेरी 17th टर्म और दूसरी तरफ थी मेरी 10th टर्म, इन्हें बराबर करने के लिए मैंने क्या करा, अपनी 10वीं टर्म में 7 जोड़ा, 7 क्यों जोड़ा, गैप 7 का ही तो है, तो 7 जोड़ा बराबर हो गई। देखो जोड़ेंगे तो ऊपर की ओर जाएगी। तो बच्चों ये अब इक्वेशन बन गया, हमें निकालना क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब डी निकालना। अरे यार निकाले कैसे, हमें तो ये निकालना, देखो हमें निकालना ये, अब यार इसे कैसे निकालू समझ में नहीं आ रहा। देखो हमें ये निकालना ना, मैं इसे सॉल्व क्या करूं, कॉमन डिफरेंस निकालू कैसे। देखो ये हमें दे रखा है ना, यही पार्ट तो दिया हुआ है, यही हमारी मदद करवाएगा। देखो कैसे, 17th टर्म का फॉर्मूला इसके नीचे लिख रहा हूं मैं, a प्लस 16d इक्वल की जगह पर इक्वल आ गया, ठीक है। यहां पर 10th टर्म है ना, तो इसका फॉर्मूला भी यहां लिख देता हूं, a प्लस 9d, फिर ये प्लस की जगह पर प्लस आ गया और 7 आ गया। सिंपल है, वेरिएबल वालों को एक तरफ और बिना वेरिएबल वालों को दूसरी तरफ छोड़ देता हूं। देखो ध्यान से, यहां पर a प्लस का 16d है, ये वेरिएबल वाले है ना, यहां पर भी प्लस का ए है ना, अगर ये इधर आ जाएगा इक्वल के इस पार आएगा तो ये माइनस का ए बन जाएगा। ये प्लस का 90 है ना, अगर ये इक्वल के इस पार आएगा तो ये माइनस का 90 हो जाएगा। इक्वल आ रहा, ये दो तो इधर आ गए, बच्चा कौन, ये अकेला प्लस का सर, यही बच्चा अकेला है ना। तो चलो देखते हैं आगे। देखो बच्चों ए हमारा यहां पर प्लस का है और ए हमारा यहां पर माइनस का है, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, हो जाएंगे कैंसिल। 16d और 9d, देखो सेम सेम है, इसे काट लेते हैं। 16d और माइनस के 9d को सॉल्व करोगे तो आएगा 7d इक्वल, और ये प्लस का 7 लगाना जरूरी नहीं है, 7 लिख दो, ठीक है। अब आपको पता है 7 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड, और डिवाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, कहां आ जाएगा, dr पे। माने की देखो, ये देखो ये जो 7 तो यहां से हट गया, अब वो नीचे आ गया, माने की नीचे, यार इसे काट लो, ये तो दोनों 7 के टेबल से कटते हैं, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 1 1 वाली पे, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। देखो हमें यही तो निकालना था ना कॉमन डिफरेंस। देखो जो चीज आपको निकालनी है ना, याद रखना जो भी चीज आपको निकालनी है उसमें मदद कौन करेगा, आपका गिवन पार्ट, जो पार्ट आपको क्वेश्चन में बता रखा है गिवन है पहले से ही, इस चीज को याद रखना। गिवन नहीं, क्लू होते हैं सॉल्यूशंस के क्लूज। देखो ये जो चीज बोली थी, इक्वेशन बना के सॉल्व कर दे 2 मिनट में, तो प्लीज आप लोग इसे जल्दी से उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ते हैं इसे। Which term of the AP, ये हमें AP दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है कौन सी टर्म ऐसी है जो 132 ज्यादा होगी हमारी 54th टर्म से। तो यार पहले तो मैं अपने AP को लिख लेता हूं, मेरा AP है जैसे 315, ये सेकेंड टर्म पे आएगा, ये थर्ड टर्म पे आएगा और ये आएगा फोर्थ टर्म पे, उसी तरह डॉट 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 डॉट, एक आ गया हमारी 54th टर्म आ गई, ये 54th टर्म है, फर्स्ट नहीं सॉरी, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म और ये है फोर्थ टर्म। पता है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कौन सी टर्म ऐसी है। वैसे अगर मैं इसे हटा भी दूं, पहले समझा देता हूं आपको फिर बताता हूं। ये मैंने अपना एपी उतार दिया, ठीक है, ये पहली टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी ऐसी टर्म, आगे भी तो बहुत सारी टर्म आएगी, कौन सी ऐसी टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो यार मैंने एक काम कर लिया, मुझे तो पता ही नहीं ऐसी कौन सी टर्म है, तो मैंने तो nth टर्म ले लिया फिलहाल। तो चलो ध्यान से सुनना, एक तरफ तो मैंने जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसे ही कर लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारी कौन सी ऐसी टर्म है, मैंने nth टर्म मान ली, माने कि ये जो nth टर्म है वो 54th टर्म से ज्यादा है। एक काम करते हैं, ये वाली बच्चों हम ले लेते हैं nth टर्म, ठीक है, और ये वाली ले लेते हैं आपकी 54th टर्म। क्या बोला क्वेश्चन ने, nth टर्म ज्यादा है,
कोई सी कौन सी टर्म बोली थी मैंने, nth टर्म बोली, nth टर्म मेरी हमारी 54th टर्म से क्या है ज्यादा है, देखो दिख रहा है डायग्राम में nth टर्म और ये है 54th टर्म, तो कौन सी ज्यादा लग रही है nth टर्म और कितनी ज्यादा है 132। इसका मतलब यहां पर अगर मैं लिखता हूं nth टर्म और यहां पर लिखता हूं मैं 54th टर्म, तो ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकती, बराबर तो नहीं है, डायग्राम में देख लो आप ये बराबर किसी एंगल से नहीं है, ये वाला है आपकी nth टर्म और ये वाला है आपकी 54th टर्म, ये दोनों बराबर नहीं है। हाँ, बराबर करने के लिए या तो मैं इस 54th टर्म में प्लस कर दूं 132, क्योंकि 132 है ना इन दोनों का गैप, 132 ज्यादा बोलिए उसने, तो देखो या तो मैं अपने इस ये वाली जो हमारी 54th टर्म है उसमें 132 जोड़ दूं, बराबर हो गई, या तो अपनी nth टर्म में से 132 माइनस करूंगा तो भी बराबर हो जाएगी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं अपनी 54th टर्म में 132 को जोड़ूंगा, तो ज्यादा अच्छा लग रहा है, देखो 132 जोड़ दिया और जोड़ते ही क्या होगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मैंने इस वाली लाइन से ये इक्वेशन बना ली है, ठीक है। अब एक काम करते हैं वैल्यूज को बिठाते हैं, ध्यान से देखना, हमें बताना है ना कौन सी टर्म है, अभी बताता हूं आपको, देखो ध्यान से, यहां पर हमारा क्या है nth टर्म है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल, ठीक है, यही होता है nth टर्म का फॉर्मूला। 54th टर्म का फॉर्मूला आप लोगों को पता है a प्लस 53d, ठीक है, प्लस की जगह प्लस और ये आ गया 132। जैसा कि आप सब लोग जानते हो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस d होता है जिसको हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं d? अगर हमारे पास लगातार कोई सी भी दो टर्म है, जैसे मेरे पे लगातार ये दो टर्म है, लगातार ये दो टर्म है, लगातार ये दो टर्म है, कोई सी भी लगातार दो टर्म ले लो, जैसे मैंने ये दो टर्म ले ली, इन दो टर्म को माइनस कर लो डी आ जाएगा, चाहे इन दो को करो चाहे इन दो को करो आंसर सेम आता है क्योंकि ये एपी है। तो देखो मैं इन दो टर्म को ले रहा हूं लेकिन पहले सेकंड टर्म फिर बाद में फर्स्ट टर्म लिखूंगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितनी आप लोग देख सकते हो 15 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी आप लोग देख सकते हो 3, तो ये आ गया 12। चलो भाई कॉमन डिफरेंस आ गया है 12, तो ध्यान से सुनना, फर्स्ट टर्म आप लोग देख सकते हो क्या है 3, ठीक है, प्लस एन की जगह एन आ गया माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस आप लोग देख सकते हो क्या है बच्चों 12, मैं यहां पे लिख देता हूं 12 इक्वल की जगह इक्वल, तो जहां जहां जो वैल्यूज है वो पुट करता हूं, ए मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म फिर से देख लो क्या है 3, फिर 53 आ गया, फिर हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस आप लोग देख सकते हो 12, मैंने 12 बना दिया मल्टीप्लाई करके प्लस का 132, वैल्यूज मैंने पुट कर दी फर्स्ट टर्म की और कॉमन डिफरेंस की। अब आगे सॉल्व करो यार इस 12 को ना यहां खिसका लेता हूं ज्यादा अच्छा लगता है, 3 प्लस ये 12 आ गया इधर n माइनस 1, ये जो 12 था ना उसे इधर ले आऊं बस, 3 प्लस देखो ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो कर लेते हैं 12 3 36 12 5 60 63, ठीक है 66 हो गया प्लस ये आ गया 132, ठीक है बच्चों, तो चलो ये आ गया, अब जल्दी से आगे करते हैं हम लोग ध्यान से, 3 प्लस आपको पता है ये ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से मल्टीप्लाई होगा, पहले साइन होंगे प्लस प्लस प्लस, 12 को n से करेंगे आएगा 12n, प्लस माइनस माइनस 12 को n से करेंगे आएगा 12, इन सबको कर लेते हैं सॉल्व, तो जल्दी से कर लेते हैं बच्चों, 6 2 8 और 8 3 11 1 3 4 4 3 7 और ये आ गया 6 नहीं बच्चों 7 आएगा, 770 बना गया, ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखना आप आगे करते हैं हम लोग। अब आपको पता है देखो बच्चों ये वाला पार्ट अब तो बहुत बार प्रैक्टिस कर ली होगी तो देख भी लिया हूं आपने, ये पार्ट सॉल्व हो रहा है, देखो प्लस का 3 और माइनस का 12 जो कि आ जाएगा आपका माइनस का 9 आएगा और आ गया प्लस का 12n, 3 और माइनस का 12 सॉल्व होके माइनस का 9 आ गया, बाकी प्लस का 12n एज इट इज इक्वल 771, यहां पर ये माइनस का 9 है उधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, ये एज इट इज ये उधर जाकर हो गया है प्लस का 9, और अगर आप इसे करोगे सॉल्व तो ये आ जाएगा 780, इन्हें अगर आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 780 और ये आ गया 12n, चाहो तो प्लस का साइन हटा भी दो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर 12 हो रहा है मल्टीप्लाई उधर जाकर होगा डिवाइड, डिवाइड का मतलब आ जाएगा नीचे, तो हम जल्दी से डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं कितना आता है बच्चों, 12 1 12 12 6 72 12 5 60, तो n आ गया आपका 65, तो ध्यान से सुनना n आ गया आपका 65, तो उसने पूछा था ना कौन सी ऐसी टर्म है जो हमारी 54 से ज्यादा है, हमने क्या बोला था इसे nth टर्म बोला था ना, तो अब n की जगह पर आ गया है टाइम लगाने का कौन सा 65,
तो हमसे पूछा था कौन सी टर्म है जो हमारी 54th टर्म से बड़ी होगी, वो भी 132। तो कौन सी टर्म है बच्चों हमारी 65 टर्म। ये वो टर्म है हमारी, मैंने आपको ऐसे डायग्राम में दिखाया था ना ऐसे, इसको मैं nth टर्म बोल रहा था, इसको मैंने आपको बोला था 54th टर्म। तो अब हमें पता चल गया ये nth नहीं है, मैंने n की जगह पर वैल्यू को पुट कर दी। कौन सी टर्म है ये? 65 टर्म है, ठीक है। तो बच्चों हमारा आंसर है 65 टर्म है हमारी एपी की, जो हमारी 54th टर्म से ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है? 132। तो जल्दी से उतार। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा। अब मैं करता हूं वीडियो का एंड। तब तक के लिए अगर आपको डीमैस की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।